हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएलएम महेंद्र यूट्यूब चैनल। एमएलएम महेंद्र यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आया है एक नया मोटिवेशन वीडियो, जो कि है जिंदगी में ताबड़तोड़ सफलता पाने का रहस्य। क्या आप भी हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे? तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं हमारे इस एमएलएम महेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्या आप भी हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं? हर दिन नया सीखने के 5 आसान ज्ञान है, उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ नया सीखने के फायदे। दोस्तों, क्या आपको पता है जो कुछ नया नहीं सीखते वह जिंदा लाश के बराबर है। ऐसे लोग कुछ काम का नहीं होते। जरूरी नहीं कि आप किसी स्कूल या कोचिंग में जाकर कुछ सीख सकते हो, बल्कि खुद से भी सीख सकते हो। जब आपके अंदर सीखने की आदत आ जाएगी, उस टाइम से आपका लाइफ आपको बहुत कुछ देने लगती है। कुछ नया सीखने के फायदे। यदि आप कुछ नया सीखेंगे तो आप खुशी महसूस करते हो, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कुछ नया सीखोगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। आपके अंदर मोटिवेशन आता है जब कुछ नया सीखते हो, तो इससे आप दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंस और ज्ञानी हो जाते हो। आई वॉन्ट लर्न न्यू, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, यही कॉन्फिडेंस अपने दिल में होना चाहिए, तभी हम कुछ नया कर सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए यह काम हमको करना पड़ेगा। जब आप नया सीखोगे तब आपको ऊपर लिखे फायदे होंगे, जिसे पढ़ने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि मुझे भी कुछ नया जरूर सीखना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिससे आप बिना पैसा लगाए हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सीख लोगे। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने काम करने के साथ ही साथ इसे कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। जैसे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। फिर एक बार बोलता हूं, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। सीखेंगे ना? ईमानदारी से अपना काम करें और नया सीखें। अपने से ज्यादा जानकार वाले व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करें। आप अपना टाइम किसके साथ बिताते हो, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक राइटर ने भी कहा है कि ज्ञान में सबसे उत्तम ज्ञान वही है जो हम अपने से ज्यादा शिक्षित व्यक्ति से वार्तालाप द्वारा सीखते हैं। इसलिए दोस्तों, जब आप कुछ नया सीखने का सोचो तो अपने से ज्यादा ज्ञान वाले लोगों के साथ रहे, यानी कि आप अपना अपलाइन के साथ मिलके कुछ नया सीखने का प्रयास करें और सीखे वो क्या कर रहे हैं और कैसे करके वो काम कर रहे हैं, उसी के बारे में सोचे और उनको फॉलो करें। जब आप ऐसा करें तो यह सोचकर करें कि मुझे नया सीखना है। आपको उसके बाद पर ध्यान देकर समझना होगा कि आखिर वह बोल क्या रहा है। यदि आपको लगे कि यह बात सही है तो अपने माइंड में
फिट कर लेना है और यदि कोई बात खराब लगे तो उसे उसी के पास छोड़ देना है। उसके अलावा आपको कुछ नया सीखने के लिए किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप किताबें भी पढ़े। आजकल किताब तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन वह यह सोच कर पढ़े कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो वह अपने अंदर नया स्किल्स डेवलप कर सकता है। किताब एक ऐसा ज्ञान का समुन्दर है जिसमें से आपको हीरे खोजकर निकालने होते हैं। किताब बहुत गूंगी चीज है जिसे वही सुन सकता है जो अपने अंदर शांति और फोकस रखता है। किताब वह एक ऐसी गूंगी चीज है जिसे वही सुन सकता है जो अपने अंदर शांति और फोकस रखता है। दोस्तों, यही बात को हर वक्त याद रखना चाहिए। दोस्त, यदि सच में आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो किताब जरूर पढ़ना होगा और आप किताब जरूर पढ़ना है। चाहे आप एक ही पेज क्यों ना पढ़ो, पढ़ना जरूर है। किताब ही एक ऐसा चीज है जो आपको कुछ नया सिखा सकता है। अपने से ज्यादा जानकार कुछ नया सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करें। जब भी आप अपने घर पर हो और खाली बैठे हो तो वैसे मत बैठना, कुछ ना कुछ जरूर करना है। आपके अंदर जिस भी तरह का ज्ञान है उसे वास्तविक जीवन में अप्लाई करके देखना है कि आखिर यह वास्तविक जीवन में कैसा होता है। ऐसा करने से आपके अंदर नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं जिससे आप ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, यानी कि आपका मेमोरी कार्ड है जो अपग्रेड हो जाएगा और आपका जो भी सीखते हैं उसको पूरा मेमोरी में सेव करके रख दे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, खुद से घर पर ट्राई आप कर सकते हैं। इंटरनेट से नया जानकारी प्राप्त करें। अभी के टाइम इंटरनेट आपको सब सिखा सकता है जो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। अपना सपने में भी सोच नहीं सकते हो कि आप इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ सीख सकते हो। इंटरनेट ही एक ऐसा जगह है जहां नॉलेज की कभी कमी नहीं है, आपको सिर्फ लेना है। यहां पर सीखने वाले की कमी हो जाती है, जबकि यो इंटरनेट तो एक सबसे बड़ा मायाजाल है। आप इसके अंदर सब कुछ समा हुआ है, आप कुछ भी वहां से सीख सकते हैं, लेकिन सीखने वालों का कमी है। आप जो भी सीखना चाहते हो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा। जब ढूंढोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बस आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये सीखना नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ी ना होगा। तो आपको जो सीखने का कला है, जैसे कि आपको सीखना है तो निरंतर आप स्थिर होके आप सीखेंगे तो ये सब कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि बस आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। इंटरनेट की बात करें तो ऐसे लाखों वेबसाइट है जहां से आपको नए स्किल सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सोते वक्त रिवीजन करें कि आपने आज क्या सीखा है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो सीखा उसको रिवीजन करें कि आपने उसको सही में अपने दिमाग में पकड़ कर रखे
रख पाए या नहीं। अगर आप इनमें से किसी एक भी काम को करते हो और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आपको उसका रिवीजन भी करना होता है, नहीं तो आप भूल जाओगे और वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्त, जब आप सोने जाते हो तो एक बार याद करना है कि आपने आज क्या सीखा। आप उस नॉलेज से क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और क्योंकि तो दोस्त आपको इसी तरह से रिवीजन करना है और सक्सेस की तरफ भागना है। यदि डेली नया स्किल्स सीखोगे तो आप जितना सक्सेस के तरफ जाओगे वह उतना ही आपकी नजदीक आने लगेगा। उसके अलावा आपको उसका काउंसलेशन करना है कि आप उसका सही में कैसे इस्तेमाल करना है। फाइनली आपको अपने डेली लाइफ में इनमें से किसी भी तरीके को यूज करके नया सीखना है और उसे सही तरीके से अपने जीवन में उतारना है, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओ। तो आप सभी लोग ने जाना कि आप सक्सेस कैसे हो सकते हो और कुछ नया आप कैसे सीखे। कुछ नया सीखोगे नहीं तो आप सक्सेसफुल बनोगे नहीं, तो इसलिए आपको हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए और ये मानव का धर्म है कि कुछ हो नया सीखता जाए और उसके लाइफ में उसको इस्तेमाल करना सीखिए। तो यदि आपको यह तरीका अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट में बताना कि यह तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारा कंपनी का नाम है केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हमसे योगायोग करने का जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7609862107 और एक हमारा नंबर है 7326085588। हमारा कंपनी का वेबसाइट है www.kevain.org। जय जय केवा, हर हर केवा, घर घर केवा, जीवन भर केवा। थैंक यू।